हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जी हाँ इसको लेकर जो कि पूरा देश जल रहा है हर जगह इसका विरोध प्रदर्शन आप देखने आपको देखने को मिल रहा है तो आज इस नागरिकता संशोधन अधिनियम उन्नीस के बारे में हम कुछ इसके मेन पहलुओं पर बात करेंगे कि ये है क्या और इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है लोग इसको गलत समझ पा रहे हैं या जो भी चीजें हैं वो सब हम यहां पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करके चलेंगे सो स्टूडेंट्स यहां पर हम बात करने वाले हैं दो पॉइंट्स पर ये विधेयक करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा और साल 2014 और तीन के बीच की बात की जाए तीन से लेकर 2014 के बीच पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर हम यहाँ पर जिक्र करेंगे जो इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है तो अगर हम यहाँ पर जाएं पूरा डिटेल में तो ये कोई विधेयक नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है यहाँ पर नागरिकता जो हमारा पांच से लेकर ग्यारह अनुच्छेद में जो वर्णन दिया गया है वहां उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया यहाँ जो संशोधन किया गया है वो किया गया है 1955 संशोधन में ठीक है तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा बिल्कुल कि नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची का संशोधन कर इन देशों के उक्त समुदाय कौन से देश आते हैं इसमें आ, पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक उक्त समुदायों के आवेदकों को प्रकृति यानी कि नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया है इसके लिए ऐसे लोग मौजूदा 11 वर्ष के स्थान पर पांच वर्षों के लिए अपने निवास की अवधि को प्रमाणित करना होगा ठीक है बाकी और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं हम थोड़ा सा इस चीज को समझते कि इसकी मुख्य बातें क्या है ठीक है यह बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान और, और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिंदू ईसाई सिख पारसी जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र यहां पर किया क्योंकि भारत के पड़ोसी देश हैं और तीनों ही देश मुस्लिम बहुल अः देश है ठीक है मुस्लिम मेजोरिटी यहां पर देखने को मिलती है तो इन देशों के अंदर हिंदू ईसाई सिख पारसी और जैन और बौद्ध धर्म को यहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है तो यहां पर इनके साथ अगर धार्मिक उत्पीड़न होता है और ऐसे में वो भारत लौटकर आते हैं तो उनको भारत की नागरिकता देने की बात इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत की गई है ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया वे भारतीय नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य रह था नए अधिनियम में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर पांच साल भी भारत में रहे हो तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है तो इसमें कौन सी गलत बात है ये तो और बेहतर किया गया है इन चीजों को ठीक है और थोड़ा और समझते हैं चीजों को अब यहां पर बात करते हैं कि यह भी व्यवस्था की गई है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी आई ओ सी आई कार्ड धारक यदि शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केंद्र को है और उन्हें सुना भी जाएगा ठीक है तो ये सरकार के ऊपर पास अधिकार है केंद्र सरकार के पास इसका पूरा अधिकार है ठीक है और ये बात अभी की बात नहीं है इसको पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हर नजरिए सकते हैं अगर वे वहां निवास नहीं करना चाहते हैं तो उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है ये बात कही गई थी छब्बीस सितंबर उन्नीस को महात्मा गांधी ने प्रार्थना समाप सभा में खुले तौर पर इस बात की घोषणा की गई है लेकिन फिर भी इन चीजों को लेकर क्यों लोगों में रोष है क्यों आक्रोश फैल रहा है यह बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती यह विधेयक करोड़ों लोगों को समान साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा ठीक है तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में नागरिकता संशोधन बिल 2019 पर बोलते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को, को ही नागरिकता देने का प्रावधान इस विधेयक में है और उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं विधेयक का क्या उद्देश्य है वो भी आप जान लीजिए आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जैसे कि विधेयक करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आए अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में काफी कमी हुई है वे लोग या तो मार दिए गए या उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया या वे शरणार्थी भरकर भारत में आए तो तीन ही पॉसिबल कंडीशन बनती है कि या तो उन लोगों को मार दिया गया या उनका धर्म में परिवर्तन कर दिया गया या इन सभी चीजों को देखते हुए फिर उन्हें फाइनली वहां पर आगे बात करें तो तीनों देशों से आए धर्म के आधार पर प्रताड़ित ऐसे लोगों को सुरक्षित करना इस विधेयक का उद्देश्य है भारत के अल्पसंख्यकों का इस बल से कोई आहित नहीं है ये मेन पॉइंट है कि भारत के अल्पसंख्यकों का इस बुल से बिल से कोई अहित नहीं है मतलब इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है तो फिर किस बात का ये विरोध प्रदर्शन ये अमेंडमेंट बिल नागरिकता देने के लिए है ना कि नागरिकता आपसे छीनने के लिए तो किस बात का विरोध प्रदर्शन हो रहा है मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती आगे बात करें तो इस बिल का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है जो दशकों से पीड़ित है यह उन निश्चित वर्गों के लिए है जिनके धर्म के अनुसरण के लिए इन तीन देशों में अनुकूलता नहीं है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है इसमें उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को, को ही नागरिकता देने का प्रावधान है यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा सा गौर फरमाइए ठीक है चलिए फिर बात करते हैं कि किसको मिलेगी नागरिकता अगर नागरिकता मिलेगी किसको तो ये बात बनती है बिल्कुल बनती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफग़ानिस्तान इन तीनों देशों की जो सीमाएं भारत को छूती हैं उन तीनों देशों में हिंदू जैन बौद्ध सिख ईसाई और पारसी वहाँ के लघुमती के लोग जो भारत में आए हैं वो किसी भी समय आए हों उनको नागरिकता प्रदान करने का इस विधेयक में प्रावधान है जो किसी भी तरह से भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं जाते हैं ऐसे शरणार्थियों को उचित आधार पर नागरिकता प्रदान करने के लिए यह प्रावधान है अब विधेयक में प्रावधान क्या है एक बार उस पर ध्यान देते हैं कि धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है हिंदू सिख जैन पारसी बौद्ध और ईसाई जो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन तीन देशों से आते हैं उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा इससे उनकी मुक्ति दी गई है ये धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों और प्रतिबंधों के तौर तरीकों को अपनाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके माध्यम से भारत की नागरिकता ले पाएंगे मेन पॉइंट पर आते हैं कि ऐसी प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 या तीसरे शेड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो जिस तिथि से वह भारत में आए हैं उसी तिथि से उनको नागरिकता दे दी जाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर ढेर सारे शरणार्थी आए हुए हैं अगर वे 1955 में आए 1960 में आए हों 1970 में आए हों 1980 में आए हों 1990 में आए या फिर 2014 की 31 दिसंबर से पहले आए उन सभी को उस स्थिति से नागरिकता दी जाएगी जिस स्थिति से वे आए हैं अब बात करें कि इससे उनको कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ेगा अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में घुसपैठ या नागरिकता के बारे में कोई केस चल रहा है तो वह केस इस बिल के विशेष प्रावधान से वहीं पर समाप्त हो जाएगा वह लीगल प्रोसीडिंग उसको फीस नहीं करना पड़ेगा अगर आवेदक किसी भी प्रकार का अधिकार या प्रिविलेज ले रहा है तो इस प्रावधान के तहत वह अधिकार व प्रिविलेज से वंचित नहीं कर दिया जाएगा कुछ जगह कुछ कई जगह कुछ जो शरणार्थी आए हैं उनको छोटी मोटी दुकान खरीद ली है या वे अपना कोई काम कर रहे हैं कानून की दृष्टि में हो सकता है कि वह अवैध हो गैरकानूनी हो मगर यह बुल उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि उन्होंने भारत में अपने निवास के समय में जो कुछ भी किया है उसको यह बिल रेगुलराइज कर देगा उनकी इस स्टेटस को कहीं पर भी वंचित नहीं करेगा जैसे किसी की शादी हुई तो बचे हुए इन सब चीज़ों को यह बुल रेगुलराइज करेगा क्लियर अब कहाँ पर यह लागू नहीं होता है तो उत्तर पूर्वी राज्य हैं में ये बिल लागू नहीं होगा विधेयक लागू नहीं होगा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके अधिकारों को उनकी भाषा को उनकी संस्कृति को और उनकी सामाजिक पहचान को प्रजर्व प्रजर्व प्रजर करने के लिए उनको संरक्षित करने के लिए इसके अंदर प्रावधान हुए हैं जनजातीय है लोग इलाकों पर भी यह बिल लागू नहीं होगा उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में जो प्रोटेक्शन दिया गया है उसी को आगे बढ़ाते हुए सिक्स शेड्यूल uh, में असम है मेघालय मिजोपुर मिजोरम त्रिपुरा और अब पूरा मणिपुर भी नोटिफाई हो चुका है इसी तरह वेस्ट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट उन्नीस के तहत इनर लाइन परमिट के इलाके पूरा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश अधिकांश नागालैंड और मणिपुर इन सारे एरिया में भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे उन्नीस से लेकर 35 साल तक किसी को चिंता नहीं हुई कि असम के लोगों की भाषा की रक्षा साहित्य की रक्षा संस्कृति की रक्षा पूरे सामाजिक परिवेश की रक्षा उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रोटेक्शन इन सारी चीजों के लिए जो करना था वह हुआ ही नहीं वह तब हुआ जब इस देश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ठीक है तो ये सब चीजें यहां पर इस अमेंडमेंट बिल के तहत रखी गई हैं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये नहीं है विधेयक बिल्कुल भी नहीं है लेकिन इसको कुछ गलत तरीके से लिया जा रहा है नागरिकता विधेयक 2019 पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि यह बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि यह बिल माइनॉरिटी के खिलाफ है यह बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है श्री अमित शाह ने कहा है कि जो इस देश के मुसलमान हैं उनके लिए इस देश के अंदर किसी चिंता का सवाल ही नहीं है श्री नरेंद्र मोदी सरकार के होते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है यह सरकार सभी को सुरक्षा और समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के शासनकाल में पिछले पंद्रह पांच वर्षों में 566 से ज्यादा मुस्लिमों को भारत की नागरिकता भी दी गई है तो स्टूडेंट ये है इस पूरे अमेंडमेंट के अंदर जहां पर कहीं भी ये आ, मुस्लिम धर्म के आ, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं जाता है बल्कि ये नागरिकता देने का अधिकार है ना कि नागरिकता छीने का अधिकार बट कुछ लोगों के जरिए इसको गलत लिया जा रहा है कुछ ऐसे नेता हैं जो सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और पूरे भारत के अंदर जगह जगह छोटे छोटे शहरों में बड़े शहरों में हर जगह अशांति का माहौल हिंसा का माहौल लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहे हैं तो मेरी सभी बच्चों से जो भी इस हमारे YouTube चैनल के जरिए जुड़े, जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि इन सारे पॉइंट्स को समझें इनको इन पर ध्यान दें कि इस अमेंडमेंट बिल में आ, क्या चीजें रखी गई हैं ठीक है थीके? और किन चीजों पर यह काम करता है ना कि किसी की कहने से आ, बहलाने पुसलाने से उनकी बातों में ना आए ठीक है तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको ये जानकारी देने के लिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो दो है उसमें क्या चीजें रखी गई हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक ले गुड बाय थैंक यू